किसी प्रकार लिंग दो कमेटी का उल्लंघन नहीं किया। लिंग दो कमेटी में हमारे प्राचार्य महोदय ने हमें पहले ही अगवा कर दिया था और लिंग दो के नियमों से अगवा कर दिया था। किसी प्रकार के लिंग दो की कमेटी का हम नियमों के रह के प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे आप आसपास में देखते हो कोई भी छपा हुआ पर्चा नहीं मिल रहा है। किसी प्रकार के कैंडिडेट किसी भी प्रकार के मतदाता के साथ दुर्व्यवहार या मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं। अपील कर रहे हैं आप पुलिस परिसर में कि NSOI को वोट देना। देखो जैसा विपक्षी करते हैं उनकी यदि बराबरी हम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नहीं विपक्ष से मतलब नहीं, लिंग दो कमेटी पे, लिंग दो कमेटी में हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। हम किसी प्रकार के NSOI पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हम केवल छात्रों की मदद कर रहे हैं और उनको अपने कैंपस में और मतदान केंद्र हाथ जोड़ के उनसे विनती की जाती है कि उनको सच्चे को और अच्छे को वोट दें। नाम बताइए। दिनेश चौधरी NSOI प्रत्याशी। नहीं हम सिर्फ कॉलेज परिसर में किसी प्रकार प्रचार नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो बच्चे के नहीं, आपको लिंग दो कमेटी के बारे में जानकारी है पूरी? जी बिल्कुल पूरी जानकारी, पूरे नियम देखे हैं हमारे बताए गए। नियम के हिसाब से आप प्रचार कर रहे हैं कॉलेज में? जी बिल्कुल हम नियमों के हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करना लोग नहीं, प्रचार कर ही नहीं रहे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आके हमारे से खुशी जाहिर कर रहे हैं, नहीं जो हम किया अभी तक प्रचार वो सारा लिंग दो समिति की सिफारिशों के आधार पर था। कॉलेज परिसर में प्रचार करना? हाँ जो कॉलेज परिसर में आज तक इससे पहले हमने प्रचार किया वो सारा लिंग दो समिति की था। जिस प्रकार आप कॉलेज परिसर में प्रचार कर रहे हो, खुले आम लिंग दो कमेटी का उल्लंघन धज्जा उड़ा रहे हो, नहीं इसी बीच हम किसी प्रकार से कॉलेज प्रशासन का उल्लंघन नहीं कर रहे और हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं घूम के कि क्या मतदान सही हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है। इस चीज़ के लिए विकास गोरा।